ये कितना है? 50 में। बहुत सारा सामान पर बहुत ज्यादा कॉस्टली। ये चाहिए उसको, ये लेना। ये तो वो है। हाँ ये मांग रही है। इसका बाबू क्या करेगा? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आई होप कि आपने मेरे थंबनेल को देख के आपने यहाँ पे क्लिक किया है। तो बहुत सारा मैंने नाम सुना है विरासत का, मतलब जब से हम यहाँ आए तो लोग बोलते हैं कि विरासत में बहुत ज़्यादा अच्छा सामान मिलता है, मेला लगता है। तो मैं कभी गई नहीं, मतलब हो गए मुझे 10-12 साल यहाँ रहते हुए, लेकिन मैं विरासत कभी नहीं गई। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ विरासत, और पता नहीं कि देखेंगे कैसा होता है मेला वहाँ का। वैसे थोड़े बहुत लोकल यहाँ पे मेले तो गई हूँ, लेकिन विरासत तो कभी नहीं गई। बस जस्ट वही शाम को पापा ने बोला कि हम जाएंगे विरासत, मैं, सानिया और पापा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद मैं थक जाऊँगा तो मैं जाऊँगा नहीं। तो पापा ने बोला कि चलो मैं तुम्हें लेके चलूँगा विरासत। और पापा ने बहुत सारी रील्स भी देख ली थी वहाँ की, आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना। तो पापा ने बोला कि चलो चलेंगे विरासत और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, शायद ऐसे बोलते हैं लोग कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, पर लेकिन बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं। देहरादून में रहे और विरासत ना गए तो क्या ही बात रही। तो देहरादून वालों को तो पता ही होगा कि विरासत कहाँ लगता है, क्योंकि गढ़ी कैंट की साइड लगता है। तो कौन, CNGC के ठीक सामने, वो भी मुझे सिर्फ पापा ने बताया कि CNGC के सामने लगता है और गढ़ी कैंट की साइड है। तो देहरादून वालों चलो विरासत, वैसे तो 27 तारीख से लग गया है और जस्ट मैं जा रही हूँ आज। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है मेले में। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग के एंड तक, और आई होप कि आप इंजॉय करोगे। मैं भी इंजॉय करने के लिए ही जा रही हूँ वहाँ, देखूँगी क्या क्या चीज़ें मिलती है, है ना। तो चलिए मिलते हैं सीधा विरासत में, चलिए। तो फाइनली एक घंटे के ट्रैफिक के बाद और हम यहाँ पहुँच चुके हैं विरासत में। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है। तो फर्स्ट स्टॉल पे पहुंचने के बाद पता चला कि 400 रुपये में कोई भी हम बैग यहाँ से उठा सकते हैं। पापा पहुँचे हैं आज स्टॉल पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करने को मिल रही हैं, लेकिन बग्गू ने टेस्ट करने पे नहीं तोड़ा अभी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो जब तक पापा लोग कैंडी देख रहे, तो मेरे को थोड़ा डेकोरेशन का सामान दिख जाए, जहाँ पे ये दीपावली के हिसाब से उन्हें लाइटिंग का बहुत ही शानदार लग रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ 100 में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे आपको ज्वेलरी वगैरह लेनी हो या फिर घर के डेकोरेटिव आइटम लेने हो, तो 100 रुपये में आप कोई सी भी चीज़ यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मछली वाला है। अच्छा, ये तो नॉर्मल जाली है। अरे वो वाला, वो जो गैस पर रखते हैं। तो ये था बच्चों के लिए गेम, उनका रेट पूछा तो 650 रुपये ये अंकल कह रहे थे। ये इनके नाम भी बताए थे, किसका नाम कैसे है। ये देखो पहुँचू में ऐसे पॉकेट समथिंग कुछ लगे हुए हैं, और है इसका प्राइस पता नहीं। तो यहाँ पे बाबू को गम्स दिख गए बहुत सारे, कहीं चिपके ना मुँह में, तो नॉर्मल टॉफी सी है। कैंडी हमें पड़ी है 100 की, 2 बच। ये कुछ डिजाइनर जहाँ घर पे लगाते हैं, जैसे सोप की समथिंग, पर बहुत ही शानदार लग रहा है। फर्स्ट टाइम में आई विरासत। यहाँ देखो कितनी प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ लगाई हुई। हाँ, ये कैंडल लेने के बाद बाबू को पसंद आ गई है। ये गुड्डे दे बाल, चल जा बन ले ले, जा जा। और देखो बाबू कैसे बना रहा हूँ। खा ले। तो यहाँ है फर्नीचर का सामान, बग्गू यहाँ पे आराम से बैठ के खा रहा है कुछ चीजें, और यहाँ पूरा फर्नीचर का सामान। तो यहाँ पीतल की उसने बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई थी, लेकिन बहुत ही थोड़ा एक्सपेंसिव था। और यहाँ देखो मूर्तियाँ एकदम इतनी शानदार, जो अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ तो मुझे लग रहा था कि पलटन वाला सामान लेके आ गए हैं, जो यहाँ स्टॉल में लगा। तो इधर तो कारपेट्स वगैरह हैं, और इधर है बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन। ये है बांस के कुछ बनाया हुआ डिजाइन। वो दोनों संग में गए थे। देखो कितनी प्यारी बैठी थी। बैंगल्स, बैग्स बहुत सारे, देख लो अगर है तो।
350 में पोटली बैग्स 350। ब्लैक लेना चाहती हूँ, पूछ लेगा प्राइस। 150 में ये डॉल। ये कितना है? 50 में। तो मैंने सोचा मैं अभी आई गई हूँ तो अपना मूवी ले ही लेती हूँ उसमें थोड़ा सा। तो मैंने अपना मूवी लिया है कैमरे की तरफ घुमा के। बहुत सारा सामान पर बहुत ज्यादा कॉस्टली। ये चाहिए उसको, ये लेना। ये तो वो है। हाँ ये मांग रही है। इसका बाबू क्या करेगा? 100 रुपए अभी क्या करना वैसे इसका मौसम का? बहुत सारे क्लोथ्स। चलो पापा। तो फाइनली मुझे इस पोंचू का प्राइस पता चल गया। इसका है 650। इसमें कोई भी हम उठा सकते थे, एक पिक कर सकते थे। और बहुत सारे फ्लावर पॉट भी यहाँ पे लगे हुए थे सुंदर सुंदर से। यहाँ पे डांस वगैरह भी चल रहा है। यहाँ बच्चे बहुत सारे झूले झूले, एक एक गोला। तो फाइनली सानवी का हो चुका है कि झूले में बैठना था। उसमें हमने उसे बैठाया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा वो बड़ा भी था और बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए तो छोटे बच्चे के हिसाब से हमने उसे बिठाया। इसमें अभी सिर्फ दो ही झूले लगे हुए और यहाँ सानवी झूलने लगी है। झूला ये पूरे वुडन में पूरा हाथों से काम किया हुआ। अभी अंकल वहाँ पे काम कर रहे थे। तो फाइनली मुझे बहुत पसंद है छल्ली मतलब मक्का। तो ये मुझे मिल चुका था कॉर्न उबले हुए दे रहे थे। तो 70 रुपीज़ का इसमें दे रहे थे जिसमें मसाला चटनी वगैरह लगा के एकदम। और दो पीस काट के दे रहे थे, एक 30 वाला और एक 40 वाला। लेकिन काट के 70 रुपये का लग रहे थे, मतलब जो भी बनाते हैं कॉर्न। यहाँ फिश के पकौड़े, यहाँ बहुत सारा खाना। तो यहाँ पे है पान और ये है विरासत का बाहर जाने का दरवाजा जिससे हम जा रहे हैं। तो ये था पूरा विरासत और हम घूम के आ चुके। नहीं अभी नहीं, तो अभी पापा गए वॉशरूम तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते। ये है यहाँ के बाहर जाने का दरवाजा और मैं सानवी कर रहे हैं पापा का वेट। पापा का वेट कर रहे हैं। सानवी ने लिया अपनी जेली और एक टॉर्च और कुछ नहीं लिया अपने हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। विरासत के बाहर भी लगे हुए डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन। देखो देखो क्या लाइट, आगे चल आगे चल आगे चल। अरे वाह ये क्या है, ये कुछ ऐसे विरासत के विरासत। और इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, ट्रैफिक इतना जाम, हम एक घंटे में पहुँची यहाँ तक। बहुत सारा चिकन टंगा हुआ, चिकन ही चिकन। ये लाया है बाबू अपने लिए विरासत से सामान। इसमें है एक कैंडी डोनट्स वाली, ये है। अच्छा ये कुत्ता है बाबू भी, एक कुत्ता है। और एक हम लेके आए ये आम पापड़ और एक और कैंडी और बाबू का ऑरेंज कलर का टॉर्च। ये देख जूते नहीं उतारने, ये देखो टॉर्च और बाबू। आता
विरासत से आने के बाद अब पापा ने बोला हम यहाँ पे चिकन खाएंगे, तो हम खा रहे हैं तंदूरी चिकन और बाबू खाएगा अपनी कैंडी। यहाँ पे पापा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ की तंदूरी चिकन, तो इसलिए हम यहीं आए। तो घूमने के बाद हमने ऑर्डर किया था तंदूरी चिकन, जो बहुत ही लाजवाब था क्योंकि हर बार पापा यहीं से हमारे लिए तंदूरी चिकन लेके आते हैं। तो जितना ये दिखने में इतना टेस्टी और एकदम क्रंची लग रहा, वैसे ही इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो मैं इसे खाने के लिए रुक नहीं गई, वेट नहीं हुआ। हम पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर, बहुत ही सजा धजा क्लॉक टावर, और ट्रैफिक तो दिन में हो या रात को 24 घंटा ऑन ही रहता है। हाँ, इसलिए हमने मम्मी के लिए चाप, और अब जा रहे हैं हम सीधा घर के लिए। तो जस्ट हम अभी आ चुके हैं घर पे, 9:10 हो गए, और पूरा घूम घूम के हमें इतना, मतलब फर्स्ट टाइम ही मैं गई थी विरासत, और सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, पर लेकिन सही में बहुत ही बढ़िया सामान मिलता है जो भी आप देख रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो जिसकी वजह से हम कुछ लाए नहीं। जो लेके आई थी सानवी मैंने आपको दिखा दिया थोड़ी देर पहले। तो बस जस्ट 9:10 हो गए और अभी हम आए, और सबके लिए हम घर के लिए चिकन लेके आ गए थे कि चिकन के साथ रोटी खाएंगे और बस उसके बाद सोएंगे, और तो कुछ काम नहीं होता, बस यही रह गया है ना। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप देहरादून की हो, विरासत गए हो, क्या चीज़ें लेके आते हो वहाँ से मुझे भी बताना भाई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया अपने लिए, नहीं वैसे ही लिया। और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा ही, मतलब सानवी के साथ थोड़ा थोड़ा कम कम ही घूमा, पर लेकिन फिर भी घूम ही लिया। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।